प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72 साल के हो गए। पीएम मोदी के शासनकाल में बीजेपी ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। इसके अलावा मोदी के दम पर बीजेपी जहां 2 लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, वहीं दर्जनों विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को सफलता मिली है। इतना ही नहीं, आज कांग्रेस की जो दुर्गति है उसमें भी पीएम मोदी का सबसे ज्यादा हाथ है। मोदी खुलकर गांधी परिवार के खिलाफ हमला बोलते हैं। कांग्रेस के खिलाफ सफलता की इबारत मोदी ने गुजरात से ही लिख दी थी। वो साल 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम बने थे, फिर 2002 के दंगे वहाँ हुए और कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मोदी के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की। उन्हें मौत का सौदागर और खून का दलाल जैसे शब्द भी अपने लिए सुनने पड़े, लेकिन मोदी को कोई नहीं ला सका। कांग्रेस के इन तमाम हमलों के बावजूद मोदी ने गुजरात में 2002, 2007 और 2012 में भी बड़े बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाकर कांग्रेस को वहां से गायब कर दिया। देश की सबसे पुरानी पार्टी को गुजरात में शिकस्त देने के बाद मोदी ने साल 2013 में दिल्ली का रुख किया। 2014 में लोकसभा चुनाव होने थे, इससे ठीक पहले 13 सितंबर 2013 को बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी को बतौर पीएम कैंडिडेट घोषित किया। मोदी मैदान में उतरे और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें हासिल की, कांग्रेस को 50 से भी कम सीटें मिल सकी और तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का उसका सपना धूल में मिल गया। नरेंद्र मोदी जब 2014 में पीएम बने उस वक्त देश के 7 राज्यों में ही बीजेपी की सरकारें थी। इसके बाद मोदी का चेहरा हर राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अकेला चेहरा बनता रहा। नतीजा ये हुआ कि 2018 तक बीजेपी ने देश के 21 राज्यों में सरकार बना ली। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी ने अपने दम पर जीत लिया। ऐसे में अब अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। जाहिर है जहां विपक्ष बीजेपी की काट अभी तक खोजने में जुटा है, वहीं एक बार फिर मोदी ही बीजेपी का चेहरा रहेंगे। सबकी नज़र इस बात पर है कि मोदी की उपलब्धियों में और कितने पन्ने जीत की इबारतों के जुड़ते हैं और क्या बीजेपी 24 में सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।